नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तमाम दर्शकों का स्वागत है मोजो पत्रकार पर और मैं हूं आपके साथ पवन कुमार झा। तो आईएसएल का सीजन चल रहा है, ऐसे में फुटबॉल की चर्चा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो आज के शो का टॉपिक भी होने वाला है फुटबॉल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहली बार हिमाचल प्रदेश विमेन्स फुटबॉल लीग का आयोजन हो रहा है इस बार, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो मेहमान, सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक शर्मा सर, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के, और साथ ही हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ रहे हैं, वो हैं इंद्रनील घोष सर, जो कि फाउंडर और हेड कोच हैं नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी के। तो सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में आप दोनों का। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत सबसे पहले सर मेरा सवाल दीपक सर आपसे है कि जो हिमाचल विमेन्स फुटबॉल लीग है, उसका कहीं ना कहीं जब आप लोग पहली बार आए थे मोजो पत्रकार पे दोनों, तो उस समय आप लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी विमेंस लीग की, कि आने वाले समय में होने वाला है। अब सब कुछ अब फाइनलाइज हो गया है, तो कैसी तैयारी है? और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई किया, आपने पहली बार जो विमेंस लीग होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में वो आप करवा रहे हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है सर? ये जो हम विमेन लीग करने जा रहे हैं प्रोफेशनल, ये पहली बार हिमाचल के अंदर होने जा रही है कि, और इसके लिए हर एक इंसान जो है बड़ा उत्साहित है, खासकर जी हमारी गर्ल्स जितनी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमीरपुर में हम इसको 22 मार्च से आरंभ करने जा रहे हैं, और हमीरपुर में एक बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है जी जिसको हमने इस लीग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, अब ये पहली बार हमारा हमने मैन लीग करी थी, बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे को मिला था, और मैं आशा करता हूँ कि इस बार जो ये वीमेन लीग हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये एक अद्भुत होगी। सर, चैलेंजेस क्या क्या थे आपके सामने, क्योंकि पहली बार ये आयोजन हो रहा है, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे? जो जनरल सेक्रेटरी है आप हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के, तो चैलेंजेस क्या क्या थे सर आपके सामने? जहां तक मैं समझता हूँ कि जब आप विमेन का कोई भी एक्टिविटी फुटबॉल के अंदर करते हैं तो चैलेंज तो साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल उनसे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैन फुटबॉल के अंदर विमेन फुटबॉल में बहुत ज़्यादा अंतर है, और इसको आयोजित करने के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कठिनाई कईयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी, हमको जहाँ पे उन लड़कियों को उठाना हो उसके आपको सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी कि वो सेफ है कि नहीं है। उसके बाद आज के टाइम में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हिमाचल के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विमेन बिल्कुल फुटबॉल को अभी किसी ने इतने ज़्यादा अच्छे रूप में देखा नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और मैं समझता हूँ कि सबके सहयोग से ये जो लीग है बहुत अच्छी आई। बिल्कुल आपने सही बात कही, और आपने इतनी कोशिश की है, आपने इतनी तैयारी की है, तो लीग ग्रैंड होगी। इंद्रनील सर, आप हिमाचल के फॉर्मर कोच भी रहे हैं, और दोबारा से कहेंगे कि आप हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। आप एक फुटबॉल क्लब को लेकर जा रहे हैं जिसके सीईओ और हेड कोच हैं, तो ऐसे में एज अ कोच आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? और आपने जब इससे पहले बात की थी हमारे मोजो पत्रकार से, तो आपने कहा था कि हम आशा करते हैं कि हमारा भी सिलेक्शन हो, और अब तो सब कुछ फाइनलाइज्ड हो गया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? देखिए, हमारा तो सबसे पहले ये है कि जो टीम हमारी पहली बन रही है वुमेन्स की, वो हिमाचल लीग में जाए और पार्टिसिपेट करे, और एक अच्छा हम लोग रिजल्ट लेके आए, जिसके लिए जी हमने अलग अलग शहरों में ट्रायल्स वगैरह भी रखा है। ऑल इंडिया वुमेन्स का ओपन ट्रायल्स, उसमें कोई भी महिला फुटबॉल खिलाड़ी कहीं से भी खेलती हो वो आके ट्रायल दे सकती है। बिकॉज अब तो AIFF ने सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम कर दिया है, जिसके बदौलत जो है हम किसी भी लड़की का, किसी भी प्रदेश की लड़की हो, फुटबॉल खिलाड़ी हो, हम उसका ट्रांसफर ले सकते हैं। एक सीजन में ओके एक जो महिला फुटबॉल खिलाड़ी है या हमारे यहाँ पुरुष खिलाड़ी, एक सीजन में दो अलग अलग क्लब से खेल सकते हैं। तो उसके तहत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पहली बार हिमाचल वुमेन्स लीग हो रहा है और बड़े अच्छे स्तर पे हो रहा है। बिकॉज मैंने खुद भी सर का मैनेजमेंट देखा है, मैनेजमेंट पावर सर के अंदर कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट पावर बहुत बेहतरीन है, और खुद भी सर
एक फुटबॉल कोच और फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, तो सर एक फुटबॉलर की भावनाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, अभी 22 मार्च से जो हिमाचल वुमेन्स लीग है उसमें एक अच्छा खेलने के साथ साथ खिलाड़ियों को वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का जो एक जिसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं वो काफी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जरूर मिलेगा, क्योंकि इतना अच्छा मैनेजमेंट है। आपसे शुरुआती तौर पे जानना चाहेंगे कि तब और अब में क्या अंतर दिखता है आपको, क्योंकि आपने दोनों ने, आपने कहूंगा कि आप भी एज अ कोच और आप एक मैनेजमेंट, दोनों ने शुरुआत की थी और हिमाचल प्रदेश फुटबॉल खासकर विमेन्स को आगे बढ़ाने में अहम योगदान निभाया था आप दोनों ने। तो दीपक सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या अंतर देखते हैं तब में और अब में? काफी मैं समझता हूँ कि थोड़े चेंजेस तो आए हैं, जी लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम संतुष्ट हैं, क्योंकि तो जहाँ तक मैं महिला फुटबॉल को लेके मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसके अंदर ये है कि आपको स्पॉन्सर की बड़ी मुश्किल मिल होती है, बिल्कुल स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है इतनी जल्दी से, और अभी तक भी हमारे को कोई मेन स्पॉन्सर नहीं मिला है। तो अच्छा ये मतलब कि जो संघर्ष है वो, ये लीग जो है ये भी एक संघर्ष का मेरा रूप है। कि मैं समझता हूँ कि यदि इस बार हम कामयाब होते हैं, कोई कोविड की ऐसी गाइडलाइन ना आ जाए जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए, तो मैं समझता हूँ जो ये कामयाब होती है तो जो आने वाली लीग जो अगले वर्ष फिर होगी, ईश्वर ने जी चाहा, तो मैं समझता हूँ कि वो लीग इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगी। हो सकता है इस बार थोड़ी बहुत कमी है हमारे बीच में रह जाए, क्योंकि जी बड़ा मुश्किल है विमेन फुटबॉल के अंदर आप स्पॉन्सरशिप के लिए, हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेन स्पॉन्सर अभी हमारे को नहीं मिला है, तो आशा करते हैं अभी दिन है, हो सकता है तो कोई अच्छा स्पॉन्सर हमको मिल जाए और हम एक अच्छी और सुविधा जो है वो जितनी गर्ल्स टीम है उनको हम दे सकते। सर, इस लीग के बारे में और ज्यादा जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह की प्लानिंग है इस लीग को लेकर, किस फॉर्मेट में ये खेला जाएगा और आगे इस लीग का क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखता है कि इस लीग के होने के बाद और क्या क्या अपॉर्चुनिटी आएंगी, खासकर ये जानना चाहेंगे आपसे। ये जो लीग है ये एक हमने इस लीग को, जैसे पता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से ये लीग जो है एफिलिएटेड है, रजिस्टर्ड है, और इस जी लीग में को करने के लिए हमारे को 30 मार्च से पहले पहले हमारे को सारे मैचेस जो है वो खत्म करने हैं। और अच्छा सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये लीग यदि कामयाब हो जाती है तो इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास इसलिए कि IWL में पहली बार हिमाचल प्रदेश की टीम खेलेगी, बिल्कुल और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि इतना प्रसन्नता होगी जिसको मैं बता नहीं सकता, गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है IWL के अंदर खेले और हमारी लड़की भी उसमें जाए, और हिमाचल का एक हम इतिहास लिखने जा रहे हैं, ईश्वर ने चाहा तो वो जरूर ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और जब कड़ी मेहनत करते हैं हम किसी चीज को लेकर तो एक दिन जरूर पूरा होता है, और आज ये दिन है कि हिमाचल में विमेंस लीग खेला जा रहा है। इंद्रनील सर, आपसे जानना चाहेंगे एज अ कोच कितना चेंजेस देखते हैं तब में और अब में विमेंस लीग को लेकर? देखिए, तब तो सिर्फ वुमेन्स के लिए स्टेट और नेशनल्स ही होता था और उससे ज्यादा कुछ था नहीं, बिकॉज वो 2013 की बात है जब हिमाचल प्रदेश की प्रथम जूनियर महिला फुट प्रदेश की महिला जूनियर फुटबॉल टीम बनी थी और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जो कोलकाता में हुआ था उसमें गए थे, सॉरी उड़ीसा में हुआ था उसमें गए थे। और अभी पिछले 4 साल से इंडिया में महिलाओं के लिए, महिला फुटबॉल के लिए इंडियन वुमेन्स लीग भी शुरू हो गया है, और इंडियन वुमेन्स की लीग के साथ साथ हमारी इंडियन सब जूनियर टीम, जूनियर टीम और सीनियर टीम भी फीफा फ्रेंडली मैचेस खेलने बाहर वगैरह जाती है, और हमारे इंडिया में भी बाहर की वुमेन टीम्स आती हैं खेलने के लिए। तो एक जो महिला फुटबॉल को लेके या वुमेन इन स्पोर्ट्स को लेके जो एक स्टार्ट चल पड़ा है वो काफी चेंज है, चेंजेस हैं इसके अंदर, बिकॉज अब हम लोग सिर्फ फोकस मेंस पे नहीं करते हैं और फीमेल्स पे भी उतना ही ध्यान देना दिया जा रहा है। और अगर बात करें हम ये स्टेट लीग्स की, तो स्टेट लीग्स हर एक स्टेट में वुमेन्स लीग हो रहा है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ AIFF, और ये पहली बार है कि हिमाचल में जिसको एक फुटबॉल में जिन्होंने अपनी पिछले 2 साल 3 साल में बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन की छाप छोड़ी है,
AIFF में और इंडियन फुटबॉल में, तो उनको एक पहला मौका है ये। और एक इंग्लिश में कहावत भी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो सबकी निगाहें हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन और हिमाचल वुमेन्स लीग पे जरूर होंगी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपके जरिए, क्योंकि आप ऐसी जगह पर हैं, हमारा मोजो पत्रकार का चैनल दिल्ली में, तो आपके जरिए हिमाचल वुमेन्स लीग को भी काफी कुछ बढ़ावा जरूर मिलेगा, और आने जरूर वाले समय में ये लीग के दौरान भी आप इस मंच के थ्रू पूरा खबर, सारे मैच और उसका हालचाल भी आप आने वाले समय में हमारे दर्शकों को देंगे। और जो बिल्कुल वुमेन्स लीग की, फाइनली हम एक बात बताएंगे ये कि अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सेंट्रलाइज प्लेयर्स का ट्रांसफर कर दिया है, और प्रोफेशनल लीग के तहत हम लोगों को, सभी को स्पॉन्सर्स की काफी जरूरत होती है, जैसा दीपक सर ने हम लोगों को बताया। और स्पॉन्सर्स के लिए हम लोग बहुत ही, चाहे हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की बात करें, चाहे पार्टिसिपेटिंग टीम्स की, लेकिन कोई भी टीम को चलाने के लिए स्पॉन्सर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमें अच्छा स्पॉन्सर मिले, जो ना कि सिर्फ वुमेन फुटबॉल के लिए रहे, बल्कि पूरी पूरे सीजन के लिए हम लोग को मिले। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को एक अच्छा स्पॉन्सर मिले, ताकि स्पॉन्सर्स के थ्रू हम अपनी टीम को बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छा ओवरऑल शो देखने को मिल सकता है, जो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक। बिल्कुल आपने सही बात कही, स्पॉन्सर्स की अहम भूमिका होती है। और जब इतनी इतने बड़ी लीग कहेंगे जो आप लोगों के जरिए आज संभव हो पाया है, तो ये भी संभव जरूर होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे दीपक सर कि क्या इस लीग के बाद और ज्यादा से ज्यादा विमेन्स फुटबॉल से जुड़ेंगी, आपको क्या लगता है, इसमें आपकी राय जानना चाहेंगे। मैं इस लीग में, पहली बात तो हम ये नहीं सोच सकते थे कि प्रोफेशनल क्लब विमेन फुटबॉल के अंदर आएगा। तो अभी हमारे पास 3 प्रोफेशनल क्लब हैं जो कि लीग में खेलने जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो है और चेंजेस आएंगे, हम और क्लबों को जो है निमंत्रण देंगे कि हिमाचल प्रदेश पे आके अपना प्रदर्शन करें, और जिससे जो है हिमाचल प्रदेश की जो लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं उनको भी क्लब में खेलने का मौका मिले। तो जहां तक स्पॉन्सरशिप की मैं बात करता हूं, मैं आपसे आज इस प्लेटफॉर्म से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि स्पॉन्सरशिप हम लोग मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, सब जगह जाके दान देते हैं। और वो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि एक ईश्वर को मनाने के लिए, पर परंतु मैं समझता हूँ कि ये भी एक समाज सेवा है। यदि आप बिल्कुल इसके अंदर मन से दान देते हैं, तो वो दान जो है उन मंदिर मस्जिद से ज्यादा लगता है कि आप ज्यादा ज्यादा हजारों खिलाड़ियों बिल्कुल को आप एक अच्छी सुविधा देने के लिए वो दान दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हर एक को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, और उसके बिल्कुल लिए उनका भी जो कठिनाइयां जीवन में होती है, मैं समझता हूँ इतने बच्चों की उसमें दुआएं लगती हैं। तो बिल्कुल मेरा मानना है कि इसको समाज सेवा के रूप में लेके हम सब लोग काम करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही सर आपने कि इसको समाज सेवा की तरह ही देखना चाहिए, और एक भी लड़कियों का फ्यूचर बनता है तो कितनी बड़ी बात है इसमें। और आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर। इंद्रनील सर आपसे जानना चाहेंगे, एज अ कोच जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जुड़ेंगी आपसे, आपके फुटबॉल क्लब से और इस लीग से। हाँ, मुझे उम्मीद तो है। अब हमारे जो नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी का ट्रायल्स हमने कई शहरों में रखा है, जिसका पहला चरण कल लखनऊ में शुरू होने जा रहा है, और 2 दिन का ट्रायल है लखनऊ में। और उसके बाद हम लोग, हमारे जो असिस्टेंट कोच हैं हिमाचल प्रदेश के, हमारे एकेडमी के श्री विक्रम सिंह बिष्ट, वो भी हिमाचल प्रदेश के एक जगह है सुंदरनगर, उसमें 6 और 7 को ट्रायल रख रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड पर। और साथ ही उसके बाद हम लोग इलाहाबाद, न्यू दिल्ली और कोलकाता में भी ट्रायल्स रख रहे हैं। तो जो हर जगह हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इतने शॉर्ट टाइम में जहां पॉसिबल हो सके वहां से अगर हम टैलेंट को निकाल के लेके आ सकें और उसको सही जगह पे उस टैलेंट का यूज हो, यही हमारी भी उम्मीद और कोशिश रहेगी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कितना हम लोग बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज ट्रायल लेना भी दूसरे शहर में जाके बहुत कठिन परिस्थिति रहती है एक टीम के लिए, कोचेस के लिए, क्योंकि सारा सामान आपको लेके जाना है, ट्रायल्स कंडक्ट कराना, ग्राउंड बुक करना,
देन रिफ्रेशमेंट करवाना, बहुत सी चीजें छोटी छोटी रहती हैं, उस चीजों का ध्यान रखना रहता है। बाकी दीपक सर को तो सब चीजें मालूम है कि एक टीम बनाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। यूं ही कोई टीम नहीं बन जाता, बहुत लोगों की मेहनत होती है, बहुत प्लेयर्स का लगन होता है। तो ये बहुत बड़ी बात कही सर आपने। सर, इंडियन वुमेन्स लीग के लिए क्या-क्या तैयारियां हैं, दीपक सर आपसे जानना चाहेंगे। IWL के लिए मेरे को लगता है कि इस बार IWL जो है उड़ीसा में होने जा रहा है। तो जी अभी मेरे पास नहीं, कोई नहीं, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, पर मेरे को लगता है कि शायद इस बार उड़ीसा को इसका मौका मिले। हमने भी उसके लिए IWL के लिए कहा है कि यदि हिमाचल प्रदेश को ठीक वेन्यू समझते हैं तो हम भी उसके लिए तैयार हैं आयोजित करने के लिए। तो हमारा पहला एक्सपीरियंस तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जितने क्लब आ रहे हैं इनको भी मैंने एक ही बात कही है कि हिमाचल मेरे खून में बसता है, हिमाचल मेरे दिल में है। तो यदि हिमाचल के बच्चे आगे जाएंगे तो इससे अब ज़्यादा खुशी मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो ये जी मैंने सब जी क्लबों को जो हमने इनसे रेगुलेशन और किए हैं कि मैक्सिमम हिमाचली को जो उसके अंदर जो प्रेफर किया जाए, जिससे कि हमारे बच्चों को जो है वो ज़्यादा मौका क्लबों में खेलने का मिले और हिमाचल के अंदर जो है फुटबॉल का स्तर जो है और ऊँचा उठ। इंद्रनील सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो तैयारियां शुरू कर दी है, आपने जैसा कहा वुमेन्स लीग के लिए, तो IWL के लिए आपकी क्या-क्या तैयारियां हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, हमारा टारगेट तो है कि IWL तक जाना। उसकी शुरुआत हमें पहले सीढ़ी से ही करनी होगी, और पहला सीढ़ी है कि आपको सिलेक्शन ट्रायल्स रखने हैं, और जो कि हम कल जिसका शुभारंभ कर रहे हैं। और कौन नहीं चाहेगा इंडियन वुमेन्स लीग, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, बिकॉज इंडियन वुमेन्स लीग में खेलना अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। सबकी बिल्कुल निगाहों में आप सामने आ जाते हैं, और बिल्कुल पूरी दुनिया आपको देखती है, आपकी एक पहचान बनती है कोई भी खेल हो। और जब से ये लीग वगैरह स्टार्ट हुआ है, प्रोफेशनल लीग्स वगैरह, इंडियन सुपर लीग, कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग, देन इंडियन बैडमिंटन लीग, आपका IPL, तो ये सारी चीजों ने एक एक अलग ही स्पोर्ट्स को का कल्चर ही चेंज कर दिया है। तो बिल्कुल इसके जरिए एक आपको, आपकी टीम को, और एक टॉप क्लास लेवल पर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को प्रूव करने का, दैट यू आर वन ऑफ द बेस्ट अमॉन्ग दिस बिलियन बिलियन पॉपुलेशन कंट्री। बिल्कुल, आपने सही बात बोली सर। एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगा, आप खासकर आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर वुमेन्स यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। दीपक सर, आपसे शुरुआत करेंगे। मेरा तो ये संदेश है कि जब आप सब कामों को पूरे अच्छे से करते हैं तो फुटबॉल से अपने आप को दूर ना करें, जी और लड़कियां भी बहुत कुछ फुटबॉल के अंदर कर सकती हैं। और आप यदि पास्ट में देखें तो बहुत सी इंडिया की ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, और रैंकिंग में भी आज भारतवर्ष जो है मेन से ज़्यादा है। तो मेरी तो सबसे बिल्कुल यही है कि जितना आप और एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो बढ़ चढ़ के जो है फुटबॉल में भाग लें और अपना भविष्य जो है उज्ज्वल करें, क्योंकि फुटबॉल खेलने से आपका भविष्य धूमिल नहीं होगा, उज्ज्वल ही होगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही, फुटबॉल खेलने से आपका भविष्य धूमिल नहीं, उज्जवल होगा। एज ए कोच सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे विमेंस यूथ को खासकर। देखिए, हम वुमेन्स यूथ और खासकर जो हमारे फुटबॉलर्स हैं, वुमेन फुटबॉलर्स, उनको हम यही कहेंगे कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो अगर हिमाचल तक ये आवाज जाएगी जरूर आपके थ्रू, आपके माध्यम से, तो जो हिमाचल की लड़कियां भी हैं उनके लिए भी एक खुला मौका है। 6 और 7 तारीख को सुंदरनगर में ट्रायल्स हैं, आप ट्रायल्स में ज्यादा मात्रा में आइए और पार्टिसिपेट करिए और अपना बेस्ट दीजिए, ताकि हमें भी मौका मिले कि मैं हिमाचल में हो रही वुमेन्स लीग में हिमाचल के ही मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़कियां, ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, महिला फुटबॉलर उस प्रतिस्पर्धा में अपना जोर आजमाइश करें, अपने आप को प्रूव करें। और जो बाकी हमारे राज्यों की लड़कियां हैं उनके लिए भी मैंने अपने सोशल मीडिया के थ्रू ट्रायल्स के डेट रखे हुए हैं, तो आपको जहां पर भी सुविधा लगे, जो भी आपके नियरेस्ट सिटी है उसमें आप आए, ट्रायल दीजिए। और उम्मीद करते हैं कि इंडियन
सॉरी हिमाचल वुमेन्स लीग और इंडियन डब्ल्यू आई इंडियन वुमेन्स लीग पे हमारा एक अच्छा फुटबॉल का स्तर बन रहा है। और जैसा कि दीपक सर ने कहा, इंडिया की वुमेन्स की फुटबॉल रैंकिंग काफी अच्छी चल रही है इस टाइम, और भी इम्प्रूवमेंट आएंगे। अभी हाल ही में इंडियन सीनियर टीम टर्की का टूर करके आ रही है फीफा फ्रेंडली मैच खेल के। तो इसी तरह से पहले इंडिया टीम गई, उसके बाद हिमाचल वुमेन्स लीग शुरू होने वाला है। इसी तरह हर एक स्टेट में अपने वुमेन्स के लीग होने जा रहे हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा है वुमेन फुटबॉलर्स का के लिए, खासकर कोरोना काल के बाद। तो उम्मीद करते हैं एक अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और मोजो पत्रकार इस टूर्नामेंट को फुल सपोर्ट करता है, और जितना भी बन पाएगा हम अपने तरफ से जरूर करेंगे, और इस लीग को प्रमोट जरूर करेंगे। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि ये लीग इतना ज्यादा सक्सेस हो कि ज्यादा से ज्यादा टैलेंट, जो छिपे हुए टैलेंट है, हिडन टैलेंट जैसा कि आप हम लोग कहते हैं, हिडन टैलेंट, वो निकल कर बाहर आए और सारे दुनिया के सामने एक नई मिसाल बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम यही आशा करते हैं कि लीग सुपर सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों थैंक यू का। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। तो दर्शकों, आज हमने चर्चा की हिमाचल प्रदेश विमेन्स फुटबॉल लीग 2021 के बारे में, और इस लीग को लेकर दोनों गेस्ट के चेहरों पर एक्साइटमेंट देखते ही बन रही थी। सो हम भी यही आशा करेंगे कि आप लोग भी इस लीग को पूरा सपोर्ट करें, ताकि और भी नए नए टैलेंट जो है वो उभर कर बाहर आए, और खासकर हमारे देश और राज्य का नाम रोशन हो। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए मौजू पत्रकार, फिर से हम जुड़ेंगे आपसे किसी नए शो को लेकर, किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया।